हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम पांचाल स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल खाओ खिलाओ में। आज की रेसिपी है व्हाइट ग्रेवी पनीर की। इसे हम नाभी पनीर भी बोलते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। व्हाइट ग्रेवी मलाई पनीर बनाने के लिए हम सबसे पहले कढ़ाई में एक गिलास पानी डाल लेंगे। इसे गर्म कर लेंगे, इसका फ्लेम हाई कर देना है। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज, थोड़े से लहसुन की कलियाँ और अदरक। अदरक के भी हमें पीस कट कर लेने हैं। इन सभी चीज़ों को हमें बॉईल करना है। मैंने दो प्याज लिए हैं, इनको मैंने मीडियम साइज का काट लिया है। तो अब हम इसे पानी में डाल देते हैं। पानी बॉईल होने लग गया है। एक मुट्ठी में इसमें काजू डाल रही हूँ। काजू को डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम व्हाइट ग्रेवी पनीर बना रहे हैं, तो काजू तो हम डालेंगे। दो हमें इसमें छोटी इलायची डाल लेनी है। तीन से चार हमें इसमें काली मिर्च डाल लेनी है। तीन से चार हम इसमें लौंग डाल लेंगे। इन सभी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। तीन से चार मिनट तक हमें इन्हें पकाना है। तो अब हम इन्हें मिक्स कर लेते हैं। गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है जिससे कि इसका सारा पानी सूख जाए और ये अच्छी तरह से बॉईल भी हो जाए। और यहाँ पर प्याज लहसुन सारी चीज़ें अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हमें गैस बंद कर देनी है। इन्हें पकाने में लगभग तीन से चार मिनट लगे हैं। अब हमें इन्हें ठंडा कर लेना है। हमें इन्हें ग्राइंड करना है, तो हमें इन्हें ठंडा करके ही ग्राइंड करना है। गर्म में हमें इन्हें ग्राइंड नहीं करना। और ये ठंडे हो चुके हैं, हम इन्हें मिक्सी के जार में डाल लेंगे। एक कटोरी इसमें दही की डाल लेंगे। दही डालकर हमें इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। अच्छी तरह से ग्राइंड करना है क्योंकि इसमें मसाले भी हैं। और ये देखिए, मैंने इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। मसाले अच्छी तरह से पीस चुके हैं, प्याज भी अच्छी तरह से पीस चुके हैं, ये देखिए। तो इसी तरह का हमें पेस्ट तैयार करना है। अब हम एक कढ़ाई गर्म, इसमें हम एक चम्मच घी डाल लेंगे। घी की जगह पर आप ऑयल भी ले सकते हैं। तो घी को मेल्ट कर लेते हैं। अब हमने जो प्याज की ग्रेवी तैयार की है इसमें हम डाल लेंगे। थोड़ा सा हमें जार में पानी डालकर ग्रेवी में डाल लेना है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है। अब हम इन तीन से चार मिनट तक पकाएंगे। और ये ग्रेवी अभी गाढ़ी लग रही है, हम इसमें आधा गिलास दूध और डाल लेंगे। हम इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना, हम इसमें आधा गिलास दूध और डाल लेंगे। दूध को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें तीन से चार कटी हुई हरी मिर्च डाल लेंगे। एक चम्मच हम इसमें नमक डाल लेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर कैमरा थोड़ा गंदा हो गया था तो इसलिए पिक्चर अच्छी तरह से नहीं आई है। और हम व्हाइट ग्रेवी पनीर बना रहे हैं तो हम हरी मिर्च का ही यूज़ करेंगे। रेड चिली पाउडर का यूज हमें इस रेसिपी में नहीं करना। तो अब हम इसमें एक कटोरी मलाई डाल लेंगे। मलाई को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मैंने घर की मलाई ही ली है, आप चाहे तो फ्रेश क्रीम का यूज़ भी कर सकते हैं। और इसे दो से तीन मिनट तक और पका लेंगे। और ये देखिए, इसे पकाते दो से तीन मिनट हो गए हैं, ग्रेवी बनकर तैयार है। अब हम इसमें पनीर डाल लेंगे। पनीर को हम इसमें फ्राई करके ही डालेंगे। आप चाहे तो पनीर इसमें बिना फ्राई किए भी डाल सकते हैं। ग्रेवी को हमें गैस पर से हटा लेना है। अब हमें पनीर फ्राई करना है। पनीर फ्राई करने के लिए मैंने एक चम्मच घी लिया, आप चाहे तो ऑयल भी ले सकते हैं। तो अब हमें घी को मेल्ट कर लेना है। और जैसे ही घी मेल्ट हो जाए हम इसमें एक चम्मच जीरा धनिया पाउडर डाल लेंगे। थोड़ी सी इसमें काली मिर्च डाल लेंगे और इन्हें हल्का सा ही फ्राई करेंगे। हमें इन्हें ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना, हमें इन्हें हल्का सा ही फ्राई करना है। और ये देखिए, हल्के से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें पनीर के पीसेस डाल लेंगे। यहाँ पर हमें गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखना है। अगर हम गैस का फ्लेम यहाँ पर हाई रखेंगे तो पनीर जल भी सकते हैं और मेल्ट भी हो जाएंगे क्योंकि हम इन्हें जल्दी जल्दी पलटेंगे। तो हम इन्हें हल्के हाथ से चम्मच से इस तरह से पलट लेंगे, ये देखिए। और मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल लो ही रखा हुआ है। तो इस तरह से हम पनीर को पलट लेंगे। इस तरह से हम पनीर के पीसेज की दोनों साइड फ्राई कर लेंगे। बस इन्हें फ्राई करने में दो मिनट ही लगे। अब हम इन्हें ग्रेवी में डाल लेंगे। इस तरह से व्हाइट ग्रेवी पनीर बनकर तैयार है। पनीर के पीसेज को ग्रेवी में हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। तो अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो चलिए हम इसे सर्विंग प्लेट में डाल लेते हैं। इस तरह से आप व्हाइट ग्रेवी पनीर बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। व्हाइट ग्रेवी पनीर को हम नाभी पनीर भी बोलते हैं। मैं इसके ऊपर बादाम रोगन डाल रही हूँ, आप चाहते इसके ऊपर हनी सिरप भी डाल सकते हैं। इसमें हल्की सी मिठास होगी तो इसका टेस्ट काफी अच्छा आएगा। और थोड़ी सी मैं इसके ऊपर ब्लैक पेपर डाल देती हूँ। आप चाहे तो इसकी ग्रेवी में एक चम्मच चीनी का यूज भी कर सकते हैं अगर आपको मीठा पसंद है तो। और ये छोटी सी पत्ती हम इसके ऊपर धनिया की रख देते हैं। तो इस तरह से व्हाइट ग्रेवी मलाई पनीर बनकर तैयार है। अब हम मिलते हैं अगली और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।